इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच के लिए भारतीय टीम में है कई विकेट कीपर बल्लेबाज कार्तिक ईशान या कोई निभाएगा इस टीम में विकेट कीपिंग का रोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है एसके स्पोर्ट की और नई वीडियो में। तो दोस्तों, टीम इंडिया और आयरलैंड के बीच होने वाले मैच में टीम इंडिया के लिए कौन निभाएगा विकेट कीपर का रोल, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी भारतीय टीम का सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम अपनी जीत हासिल करे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और चैनल पर पहली बार हैं तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के खबर में बढ़ते आगे और देखते हैं आज क्या पूरी अपडेट। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच रविवार को पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया स्क्वाड में कई विकेट कीपर शामिल है और ऐसे में जिन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी इसकी पूरी संभावना है। लेकिन देखना यह होगा कि उनमें से विकेट कीपर के रूप में कौन होगा, ईशान किशन, दिनेश कार्तिक या फिर और कोई। मुकाबला का प्रसारण भारत में सोनी टीवी नेटवर्क पर होगा। इस सीरीज और क्रिकेट की सभी खबरें हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार यानी कि 26 जून को खेला जाएगा। भारतीय टीम आयरलैंड के लिए बहुत बड़ी टीम होने वाली है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में किन 11 खिलाड़ियों को मौका मिलेगा यह देखना अभी बाकी है, लेकिन बतौर विकेट कीपर कौन मैदान पर उतरेगा यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। मुख्य तौर पर तीन खिलाड़ी जिनके बीच सीधे तौर पर विकेट कीपिंग के लिए जंग जारी है, इसमें से पहला नाम आता है ईशान किशन का। ईशान किशन टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज हैं। हाल ही में संपन्न हुई दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भी किशन ने शानदार प्रदर्शन किया था। किशन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और इस रोल के लिए वह नजर आने वाले हैं। ईशान मुंबई इंडियंस के लिए विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए थे और उन्होंने इस रोल में काफी ज्यादा सबको प्रभावित किया था। वह दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने IPL 2022 में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था। बतौर फिनिशर उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई थी कि टीम इंडिया में 3 साल बाद वापसी करने में वो सफल रहे हैं। टीम इंडिया में सबसे अनुभवी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने साल 2006 में T20 डेब्यू किया था, लेकिन बतौर विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के होने से उन्हें खेलने का पर्याप्त मौका नहीं मिला था। ऐसे में कहा जा रहा है कि खैर अब वह टीम इंडिया के लिए और विकेट कीपर के रूप में कड़ी चुनौती को पेश करेंगे। वो अनुभवी विकेट कीपर है। वह दोस्तों अगला नाम आता है संजू सैमसन का। संजू सैमसन को भी टीम इंडिया में पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं और जब भी उन्हें मौके मिले वो खुद को साबित करने में असफल रहे हैं। खैर या आयरलैंड दौरे पर प्रदर्शन से प्रभावित करना होगा, जहां संजू सैमसन विकेट कीपर के और बल्लेबाज के तौर पर भूमिका निभाना चाहेंगे और IPL में कप्तानी के साथ उन्हें विकेट कीपिंग के लिए भी जाना जाता है। वह एक अच्छे फील्डर हैं, विकेट कीपिंग के रोल में भी वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। ये तीनों यानी कि दिनेश कार्तिक, ईशान किशन और संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी जिन्हें प्लेइंग 11 जगह मिलने की संभावना अधिक है। देखना यह होगा कि तीनों में से कौन विकेट कीपर की भूमिका निभा पाएगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, ईशान किशन या फिर दिनेश कार्तिक किसे मिलना चाहिए विकेट कीपर के तौर पर टीम इंडिया में मौका? आप अपने व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।